जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हेक्टेयर को बीघा में बदलना सीखेंगे। जैसे आपके खतौनी में माप रहती है, कुछ भी माप रहेगी, जैसे मान लो 0.6730 हेक्टेयर आपके खतौनी में माप है, तो अब हम इसे बीघा में कैसे बदलेंगे। तो सबसे पहले 1 हेक्टेयर बराबर होते हैं 10,000 स्क्वायर मीटर। 1 हेक्टेयर बराबर होते हैं 10,000 स्क्वायर मीटर। ये हमारी खतौनी में जमीन की माप है, आपके में कुछ भी हो सकती है। मान लो यहाँ ये संख्या लिखी है, आपके में कुछ दूसरी संख्या होगी, तो उसका क्या करना है, हमें 10,000 से गुणा कर देंगे। तो 0.6730 × 10,000। अब इस 10,000 से गुणा करेंगे तो ये 0.4 स्थान इधर चला जाएगा, क्योंकि 4 जीरो है, तो ये हो जाएगा 6,730 स्क्वायर मीटर। ये हो जाएगा 6,730 स्क्वायर मीटर। अब आपके जो क्षेत्र है उसमें 1 बीघा में कितने स्क्वायर मीटर हैं, ये अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग मापें रहती हैं। पूरे इंडिया में सेम माप नहीं है, मैं कुछ उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान का कुछ पार्ट उसके बारे में बता रहा हूँ, वहाँ 1 बीघा में कितनी स्क्वायर मीटर होते हैं। तो वहाँ 1 बीघा बराबर होता है 2,530 स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर तो हमारे पास कितने मीटर हैं, इतने, और इससे हमें बीघा बनाना है, तो इस संख्या का इसमें भाग देंगे, तो 6,730 में 2,530 से भाग देंगे, तो देखो कितना बीघा आएगा। भाग देंगे तो भाग देने पे आया 2.66, यानी आपके पास जमीन थी 0.673 हेक्टेयर और फिर बीघा में आ गई 2.66 बीघा। तो आप ये आसानी से निकाल सकते हैं कि आपकी जमीन हेक्टेयर में दी हो तो उसे बीघा में बदलना। तो सबसे पहले जो हेक्टेयर में जमीन दी होगी उसमें आप 10,000 से गुणा कर देना। 10,000 से गुणा करने पर जो आएगी संख्या, वो समझ लो वो आपके स्क्वायर मीटर है, यानी वो इतने स्क्वायर मीटर आपकी जमीन है। आप कितनी भी, जैसे यहाँ मान लो 2.67 होती, तो उसका गुणा ये 10,000 से करेंगे तो वो स्क्वायर मीटर बन गए। फिर आपको पता है कि आपके क्षेत्र में 1 बीघा में कितने स्क्वायर मीटर होते हैं। नहीं पता तो आप जो आपके गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं उन्हें आइडिया रहता है इसके बारे में, उनसे पूछ सकते हैं। उन्हें भी नहीं पता तो आप अपने क्षेत्र का जो लेखपाल रहता है, जिसे पटवारी बोलते हैं, उससे जाके पूछ सकते हैं कि हमारा जो क्षेत्र है या हमारा जो गाँव है, उस गांव में 1 बीघा में कितने स्क्वायर मीटर होते हैं। तो वो आपको जरूर बताएगा कि आपके यहाँ 1 बीघा में इतने स्क्वायर मीटर हैं। तो आपको पता चलेगा कि हमारी जमीन इतने स्क्वायर मीटर है, तो जो संख्या वो बताए उस संख्या का जितने आपके स्क्वायर मीटर है उसमें भाग दे देंगे, तो आपकी जमीन बीघा में निकल के आ जाएगी। इन सारी चीजों की जरूरत जब पड़ती है, जैसे आप खेत में दवा दे रहे हो तो आजकल कीटनाशक दवा और ये सब छिड़कना होता है, तो उस दवा लेके आते हैं उस पर लिखा रहता है कि इतने बीघे में इतना देना, तो फिर हमें पता करना पड़ता है कि इतना बीघा कि कैसे होगा, हमारा हमारा खेत कितने बीघा है। तो आप ऐसे निकाल सकते हो, आपको खेत बेचना है, खेत खरीदना है, तो खेत की जो बिक्री है वो बीघा में ही होती है, कि मैंने इतना बीघा खेत खरीद लिया, मैंने इतना बीघा खेत बेच दिया। तो आपको पता कैसे चलेगा कि इस बंदे का इतने हेक्टेयर खेत है तो उसका इतना बीघा हो गया। तो आप ऐसे करके आसानी से हेक्टेयर को बीघा में बदल सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।